हे गाइस, मेरा नाम इमरान शेख और आप देख रहे हो इमरान 16, जहां मैं आज खड़ा हूं वो है एक रेल यार्ड, एक पुराना अबेंडेंड रेल यार्ड जो शुरू होता है तिलक नगर से और ख़त्म होता है विद्या विहार में। बहुत बड़ा ट्रेन यार्ड है और एक्सप्लोर करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें, तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बना लूँ। यहाँ पर बहुत सारे ट्रेन ऐसे खड़े जो अपने सफ़र के इंतज़ार में, और बहुत सारे ट्रेन ऐसे भी खड़े जो जिनका सफ़र ही ख़त्म हो चुका है, वो सिर्फ अभी मौत के इंतज़ार में। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो सामने बहुत सारे, मतलब जो जिसे हिंदी में कहते हैं मालगाड़ी, उसके टायर पड़े हुए हैं और नीचे इतने सारे ग्रीस पड़े हुए हैं, साथ ही साथ बहुत सारी स्मेल आ रही है टारकोल की। रेलवे सीट है ये, देखो ये वो रेलवे सीट है जिसमें हम लोग बैठ के जाते हैं सफ़र में। आप अगर नॉर्मल ट्रेन में जाते रहोगे तो आपको पता रहेगा ये जो ट्रेन सीट है वो ट्रेन टॉयलेट है, उधर भी रेलवे सीट्स है। और अभी हम अंदर जाएंगे, यहाँ पर एक मालगाड़ी का वो पड़ा, एक क्या बताऊँ मैं इसको, कंपार्टमेंट नहीं बोलूँगा, बॉगी नहीं बोलूँगा, क्या बोलूँ मैं इसे, ये अबेंडन पड़ा है। मतलब ये शायद से दो टिकट 20 साल से हिली नहीं रहेगी इधर से। देखिए अभी आगे जाके देखते, जेसीबी आज से 2 साल पहले ना यूट्यूब में ट्रेंड था कि जेसीबी की खुदाई देखनी है। मेरे वीडियो में भी मिलियन लेके आ जाओ, मैं जेसीबी दिखा रहा हूँ। देखो अब मुझे ये वीडियो में मिलियन व्यू चाहिए, नहीं मिला था यार, सही बोल रहा हूँ, अगले वीडियो में जेसीबी चलाते हुए दिखूँगा बोल रहा हूँ। आपको शायद से देख के तो समझ में नहीं आता रहेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये सारे ट्रेन्स खड़े जहाँ रेलवे ट्रैक्स बन रहे, और यहाँ पर ट्रेन्स खड़े जहाँ रेलवे ट्रैक्स चढ़ रहे। हम आगे जाके चल के जा रहे थे तभी हमने उधर नज़र डाली, उधर लिखा था मैकेनाइज्ड बूट लॉन्ड्री, लोकमान्य तिलक टर्मिनस सेंट्रल रेलवे, रोज वेंचर्स। तो जब भी आप एसी में ट्रैवल करते हो, एसी स्लीपर्स में या फिर एसी फर्स्ट क्लास में, उसमें आपको चादर और साथ ही साथ पिलो प्रोवाइड करते हैं, जहाँ धुलाई सिलाई कढ़ाई बुनाई सब इधर होती है। एक इन्फॉर्मेशन था ये, सुनो अच्छा लगेगा हमें भी। इंडियन रेलवे पैंट्री कार, यार देखो इधर एक ब्लू ट्रेन है, एक रेड है, एक येलो है, एक डार्कर ब्लू है, फिर उसका लाइटर ब्लू है, उसके बाद फिर से डार्कर ब्लू है, मतलब हर एक शेड्स। मतलब ये सब सिर्फ ट्रेन के कलर नहीं है, ये अलग अलग टाइम के अलग अलग पेंटेड चीज़ें हैं। मतलब 1000 किलो के डम्बल, हिली जाए बहुत बड़ी बात है। आई गिव अप, इससे ज़्यादा बुरी चीज़ मैं नहीं कर सकता। ट्रैप से बहुत दर्द हो रहा है यार। तो यहाँ आवाज़ बहुत ज़्यादा है, मुझे पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही नहीं आ रही है, लेकिन उधर एक मिनिएचर है ट्रेन का, एक इंडियन रेलवे का मिनिएचर दिख पा रहा आपको बराबर, मुझे पता नहीं। अभिषेक शायद फोकस कर ले, आ जाओ। टाइम से पता नहीं आपको, मैंने एक मिनिएचर ट्रेन दिखाया, अब मैं आपको सेकेंड मिनिएचर ट्रेन दिखाऊँगा। सही है, छोटा रेलवे मॉडल ना, लोकमान्य तिलक टर्मिनस वाराणसी, स्लीपर क्लास 1। और इसका सेम बड़ा अगर आपको मॉडल देखना तो यहाँ है, यहाँ बड़ा भाई और यहाँ छोटा भाई, छोटा भाई बड़ा भाई, बड़ा भाई छोटा भाई, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभानअल्लाह। तो अभी जाते आगे और आगे आगे देखते, और पता नहीं ये हमारे दोस्त कहाँ फंस चुके, ना मुझे इधर दिख रहे ना उधर दिख रहे, देखते। और आपको दिखाने वाला हूँ मैं इधर काम करने वाले मजदूरों को, तो जैसे आप देख सकते हो कि उधर मजदूर बैठे हैं दो दो ब्लू कपड़े में। ये मजदूर लोग, तुम लोगों को कितने पगार मिलता है इधर आने पर, हाँ तो आप कुछ कहना चाहते हो? है ही बस एक मसाला डोसा मिल जाता है 20 रुपये वाला। तो आप कुछ बोलना चाहते हो? बस एक मसाला डोसा मिल जाता है 20 रुपये वाला। 72 hours later 5 मसाला डोसा खाना। क्रू बैठी है बेचारी, पूरा खाना मिल जाता है भाई, 35 का खाना। अभी हमने मसाला डोसा ऑर्डर किया है, जो चीज़ के बारे में इतने ब्लॉग में बात हो रही थी, अंडा करी 40 रुपये का है। ये बंदा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, अंडा करी 40 रुपये का है, अंडा करी 40 रुपये का। और राइस दाल फ्राई 20 रुपये की, क्या बात कर, राइस फ्राई मंगा देगा ऐसा चलता है। लेकिन तो इतने मेहनत के बाद हम लोग को इतने बड़े बड़े साइज के मिले, तू थोड़ा वो कर सकता है, दिखा ये सब सकता है। फूड ब्लॉग का ना यही चीज़ प्रॉब्लम है, क्या मतलब, क्या मतलब जो कैमरा मैन है उसको खाने मिलता ही नहीं। बताना जरा, बहुत जबरदस्त
आवाज़ नहीं देगा उधर देख बोल अभी बोल 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 यहाँ जो चटनी है ना वो चटनी बहुत बोलो 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 यहाँ जो चटनी है ना बहुत अच्छी है और सारी सारे मैदान देखो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल इमरान 16। और आज की वीडियो हेल्प करने में हेल्प किया है अभिषेक शर्मा ने जो अभी खाना ठूसते हुए बिजी है, साथ ही साथ हेल्प किया दक्ष दादर ने जो भी खाना ठूसते हुए बिजी है, साथ ही साथ अफमान सैयद ने जो हाथ धोते हुए बिजी है, साथ ही साथ मोहित तांबे ने जो खाते हुए बिजी है और मैं बात करते हुए बिजी हूँ। इसलिए आप भी बिजी हो जाओ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते हुए। नीचे जाइए लाइक करिए सब्सक्राइब कीजिए और बिजी रहिए। बाय। ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। ये एक लिफ्टिंग क्रेट है जो फोक लिफ्ट उठाते और उसमें एमटी जो बोलते हैं ना वायर के रोलर्स ये सब डाल के उन लोगों ने एक वो बना दी है। अच्छा अच्छा लगा, क्रिएटिविटी तो हर जगह। अब आगे जाके देखते हैं। मैं किसी और कहूँ फिलहाल कहती रहूँ जाओ। उधर क्या है यार, सोचो अगर इसके अंदर से अगर कोई हम लोग अभी हाय करेगा तो कितनी फटेगी ना। कितने सालों से बंद पड़ा ये सब चीज़ें यार। तो मिले ये लोग दोनों पूरे मजदूर वाले कॉस्ट्यूम में आ रहे ब्लू ब्लू सॉरी। तो ये बंटी भाई उर्फ दश और ये नोहित तांबे भाई और ये इसका तो इंट्रोडक्शन देना ही वो नहीं है, शक्ल से पहचान लोगे अमान सैयद भाई भी बहुत सारे वीडियो में आते। चलो चलो आगे आगे देखते हैं। आगे आगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक। चलो 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 चले मितवा इन खट्टी मिट्टी राहों में इन प्यारी प्यारी बाहों में कहीं हम खो जाए। सामने छोटा हाथी आ रहा तू बड़ा हाथी हो जाएगा ठोक दिया देखो तो। चल वो देखो ये वही लोगों में से जो आसमान में थूकते और फिर बोलते थूक मुंह पे क्यों गिर रहा है। तो ले लूँ यही कुछ और ले लूँ। अरे किसको क्या खाना है बोल दो। ए तुनो जाके पूछो जाओ वही वही पूछा क्या खाना है बस बना हुआ है। एक मिनट अंकल काम कर बनता है मैं बोल रहा हूँ 20 रुपये की जो जो आइटम है ना सब एक एक दे दो।